स्वस्थ के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे कि फूल गोभी जो हम खाते हैं उससे हमारे स्वास्थ्य पर किस प्रकार के फायदे हो रहे हैं, उसके अंदर किस प्रकार का न्यूट्रिशन है और किस प्रकार के उसके अंदर बायोएक्टिव कंपाउंड है जिनकी वजह से हमें ये स्वास्थ्य लाभ होते हैं। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वस्थ कम्युनिटी का भी निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो आइए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर और देखते हैं फूल गोभी से हमारे स्वास्थ्य को क्या लाभ हो रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की, जो हमारी कॉलीफ्लावर के बारे में हमें पता होना चाहिए। वो है हमारी फूल गोभी ब्रैसिका फैमिली की एक वेजिटेबल है, जिसके अंदर और भी काफी वेजिटेबल्स आती हैं जिनका हमारे शरीर पर बहुत अच्छा प्रभाव होता है। जो दूसरी वेजिटेबल्स इसी फैमिली की हैं वो जैसे पत्ता गोभी है, ब्रोकली है, वो भी इसी फैमिली की सब्जियां हैं। फूल गोभी तकरीबन हमें पूरे साल आराम से मिलती है, हालांकि सर्दियों के अंदर इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ही कॉमनली हो जाती है और बहुत ही फ्रेश हमें ये हमेशा अवेलेबल रहती है। फूल गोभी ज्यादातर क्रीमिश टू व्हाइटिश कलर का एक वेजिटेबल होता है जिसको हम खाते हैं, जो सराउंडेड होता है ग्रीन कलर की स्टेम से, और इसके जो पत्ते होते हैं वो भी काफी चौड़े होते हैं। इसके न्यूट्रिशनल प्रोफाइल बहुत ही बेहतर है। अभी हम देखते हैं इसको और मैं आपको बता पाऊंगा कि इसके अंदर किस प्रकार से इतने ज्यादा न्यूट्रिशन अवेलेबल है और हमारे स्वास्थ्य को ये ठीक रखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। तो अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल प्रोफाइल की। जो आप 100 ग्राम रॉ फूल गोभी खा रहे हैं उसके अंदर कैलोरीज बहुत ही कम है, सिर्फ 25 किलो कैलोरी है इसके अंदर। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ 5 ग्राम है। शुगर देखिए सिर्फ 2 ग्राम तकरीबन शुगर है उसके अंदर। तो इसलिए अगर आप गोभी अच्छे से खा रहे हैं तो इससे आपकी कोई भी शुगर की डिरेंजमेंट नहीं होने वाली, आपकी डायबिटीज को कोई ज्यादा खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए आप इसे अच्छे से खाएं। डायट्री फाइबर देखें, इस 100 ग्राम के अंदर 2 ग्राम डायट्री फाइबर है, वो भी अच्छी मात्रा के अंदर है। फैट इसके अंदर कुछ है नहीं, सिर्फ 0.3 ग्राम है। प्रोटीन भी इसके अंदर कम होता है, 2 ग्राम के अराउंड होता है। विटामिन सी देखें, इसके अंदर 58% पूरे दिन का आपको विटामिन सी मिल जाता है। विटामिन के पूरे दिन का 15% आपको मिल जाता है। पूरे दिन का विटामिन B6 14% मिल जाता है। और फोलेट जो कि विटामिन B9 भी हम जिसे बोलते हैं, पूरे दिन का 14% आपको मिलता है। पेंटोथेनिक एसिड 13% मिल जाता है। राइबोफ्लेविन 5% मिलता है। थायमिन 4% मिलता है। नियासिन 3% मिलता है। और विटामिन ई भी इनके अंदर कुछ मात्रा में के अंदर होता है, 1 से 2% विटामिन ई भी इसके अंदर हमें मिलता है। बात करें मिनरल्स की तो मैग्नीज इसके अंदर अच्छी मात्रा में 7% पूरे दिन का मिलता है। पोटेशियम 6% पूरे दिन का मिलता है। फॉस्फोरस भी 6% पूरे दिन का मिलता है। मैग्नीशियम 4% मिल जाता है। आयरन पूरे दिन का 3% मिलता है। जिंक भी पूरे दिन का 3% मिलता है। कैल्शियम सोडियम 2-2% मिलते हैं। और इसके अंदर 92 ग्राम्स पानी है सिर्फ। आप देखें कि 100 ग्राम जो आप ये खा रहे हैं इसके अंदर इतने अच्छी प्रकार का न्यूट्रिशन है, कैलोरीज इसके अंदर बहुत ही कम है, और इसके अंदर कुछ ऐसे स्पेशल बायोएक्टिव कंपाउंड्स भी हैं जिससे हमारे शरीर को बहुत ज्यादा खास फायदा होता है। तो बात करते हैं बायोएक्टिव कंपाउंड्स की। बहुत सारे बायोएक्टिव कंपाउंड्स हमारी कॉलीफ्लावर के अंदर होते हैं, लेकिन कुछ बायोएक्टिव कंपाउंड्स इतने स्पेशल हैं जो कॉलीफ्लावर के अंदर होते हैं, हमारी फूल गोभी के अंदर होते हैं, वो है इसके अंदर होते हैं ग्लूकोसिनोलेट्स और आइसोथायोसाइनाइड्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसके अलावा फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, बीटा कैरोटीन होते हैं, विटामिन सी इसके अंदर अच्छी मात्रा में होता है, और रेजवेरेट्रॉल भी इसके अंदर होता है। जो ये ग्लूकोसिनोलेट्स होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर आइसोथायोसाइनाइड के अंदर कन्वर्ट होते हैं, और इसी का ही सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें ये ब्रैसिका फैमिली की सब्जियां खाने से होता है, जो हमें इतने सारे कैंसर, इन्फ्लेमेशन और दूसरी बीमारियों से बचाता है और हमारे स्वास्थ्य को और बेहतर रखता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं फूल गोभी खाने से हमें किस प्रकार के फायदे हो रहे हैं, हमारे हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं फूल गोभी खाने से। सबसे पहला, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा इसके अंदर भरपूर है, खूब सारे एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर हैं। तो इसलिए जो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन रही हैं जो कि हमारे शरीर और हमारी कोशिकाओं को और नुकसान करती है, हमारे अंगों को नुकसान पहुंचाती है, उसको ये न्यूट्रलाइज करते हैं और ये नुकसान नहीं होने देते। हमारी बॉडी के अंदर जो फैट की ऑक्सीडेशन होती है उसको भी काफी कम करते हैं, और जो सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाता है इनकी वजह से उसको भी ये काफी कंट्रोल करते हैं और अच्छा रखते हैं, जिसकी वजह से हमारी कोशिकाओं को ये नुकसान नहीं पहुंचता। फूल गोभी के अंदर काफी ऐसे सारे कंपाउंड होते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही है उसको ये कंट्रोल करता है, और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो
इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं उनको भी ये काफी कम रखता है। तो जो लोग अच्छी मात्रा में ब्रैसिका फैमिली की सब्जियां खाते हैं, स्पेशली फूल गोभी पत्ता गोभी खाते हैं, तो उनके अंदर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बॉडी में चल रहे हैं वो काफी कम हो जाते हैं, जैसे कि IL-6, CRP, TNF अल्फा, ये इनकी सबकी मात्रा कम हो जाती है। इसके अंदर एक स्टडी हुई, इसके अंदर ये भी पता लगा कि जो लोग जितनी अच्छी मात्रा में क्रूसीफेरस और ये ब्रैसिका फैमिली की सब्जियां खाते हैं उनके अंदर जो प्रो इन्फ्लेमेटरी मार्कर हैं वो घट जाते हैं, और अगर वो इनका कम इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर इन्फ्लेमेटरी मार्कर बढ़े हुए होते हैं। फूल गोभी हमें काफी सारे कैंसर होने से भी बचाती है क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में है। उसके अलावा इसके अंदर तो स्पेशल कॉम्पोनेंट है ग्लूकोसिनोलेट्स और आइसोथायोसाइनेट, ये स्पेशल सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं जिनकी वजह से हमें इतने सारे कैंसरों से बचाव मिलता है। इसके अलावा हमारी फूल गोभी के अंदर होते हैं सल्फोराफेन जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें मिलकर हमारे शरीर के अंदर DNA डैमेज को रोकती हैं, अपोप्टोसिस को बढ़ाती हैं और हमारे शरीर में काफी सारे कैंसर नहीं होने देती, स्पेशली कोलोन कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर, इनके अंदर इनका काफी अच्छा रोल पाया गया है और इनको ये बचाते हैं हमारे शरीर में होने से। फूलगोभी खाने से हमारे ब्लड शुगर लेवल भी अच्छे से कंट्रोल में होता है और इसके अंदर बहुत ही कम मात्रा के अंदर ग्लूकोज है और ये इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी काफी कम है क्योंकि इसके अंदर फाइबर भी अच्छी क्वालिटी का है। और जो लोग लगातार गोभी अच्छी मात्रा में खाते हैं उनके अंदर ब्लड शुगर लेवल ओवर ए पीरियड टाइम कंट्रोल हो जाता है और HbA1c लेवल भी काफी कंट्रोल में आ जाते हैं और कम होते हैं। इसके अलावा खाना खाने के बाद जो हमारा पोस्ट पेरेंटल शुगर बढ़ जाता है उसको भी ये काफी कंट्रोल करने के लिए कारगर है, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी भी है तो ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे शरीर में बढ़ता चला जाता है जिसकी वजह से हमें ये शुगर जैसी बीमारी होती है तो उसको भी ये नियंत्रित करता है और पेंक्रियास की एक्टिविटी को बढ़ाता है और हमारे शरीर के अंदर गुड क्वालिटी इंसुलिन का प्रोडक्शन कराता है जिसकी वजह से हमारा शुगर और बेहतर तरीके से कंट्रोल हो पाता है। फूल गोभी हमारे दिल के लिए और हमारी जो नसें निकल रही हैं जो हमारे शरीर के अंदर खून को लेकर चलती हैं, आर्टरीज जिसे बोलते हैं, इनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक तो जो इसका फायदा होता है क्योंकि इसके अंदर अच्छी मात्रा के अंदर फाइबर है तो ये हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारी जो इंटेस्टाइन के लेवल पे जो एब्जॉर्प्शन है उसके अंदर चेंजेस लाता है और हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़िया करता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल को ये घटाता है, ट्राइग्लिसराइड जो हमारी बॉडी के अंदर है उनको घटाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो हम कहते हैं LDL कोलेस्ट्रॉल उसको घटाता है और गुड क्वालिटी कोलेस्ट्रॉल HDL कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को हमारे शरीर में बढ़ाता है। इसके अलावा वेरिएबल मात्रा के अंदर इसके अंदर रेजवेरेट्रॉल भी होता है जो हमारे BP को अच्छा रखता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड फूल गोभी के अंदर होता है वो है सल्फोराफेन। इसके अंदर जी ये कंपाउंड होता है, ये सल्फर कंटेनिंग एक कंपाउंड है, इससे हमारी शरीर के अंदर BP भी अच्छा रहता है और हमारे खून ले जाने वाली नलकियां होती हैं उनको भी काफी हेल्दी रखता है और उसके अंदर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस होने नहीं देता। ये काफी स्टडीज के अंदर भी प्रूव हुआ कि जो लोग अच्छी मात्रा में इन सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं हो रहा और काफी कम है। तो इसी कारण से एक तो हमारा लिपिड प्रोफाइल बढ़िया हो गया, हमारा BP अच्छे से कंट्रोल हो गया, हमारी नसों के अंदर ये प्लाक्स नहीं बन रहे, एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं बन रहा, तो इसी वजह से हमारी जो दिल की नसें हैं और हमारे दिमाग की नसों हैं उसके अंदर किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती और उनसे होने वाले ये नुकसान हमें नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वजह से हमारे दिल के लिए और हमारी नसों के लिए, खून की नसों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। फूल गोभी हमारी आंत की हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है क्योंकि फाइबर इसके अंदर अच्छी मात्रा में है, उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें अच्छी मात्रा में है और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स भी इसके अंदर है, तो हमारी आंत के अंदर जाकर जब ये सारी चीजें मिलती हैं तो उससे एक जो फायदा होता है हमारे शरीर को वो ये होता है कि हमारी आंत के अंदर जो यूजफुल बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ बढ़ती है और ये प्रोबायोटिक का काम करती है जिससे कि हमारे अंदर इतने सारे और बैक्टीरिया बनते हैं और वो बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनकी हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट है। और हमारे शरीर के अंदर ब्यूटायरिक एसिड और सेरोटोनिन जैसे इम्पॉर्टेंट मेटाबोलाइट बनाते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वजन घटाने के लिए भी फूल गोभी बहुत अच्छी है क्योंकि इसके अंदर कैलोरीज की मात्रा बहुत कम है, तो इसको आप एज ए स्नैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपका कोई ब्लड शुगर अल्टरेशन नहीं होगा और आपकी भूख भी शांत हो जाएगी। इसके अलावा ये क्योंकि इसके अंदर फाइबर अच्छी मात्रा में है तो आपको जो खाना खाने के बाद एक सेटिस्फेक्शन मिलता है तो उसका भी आपको फायदा होता है कि आपकी एपेटाइट को कंट्रोल रखता है और आपको जल्दी से वापस भूख नहीं लगती। इसके अलावा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को क्योंकि ये ठीक रखता है तो हमारी जो वेट
गेन की वजह से हमारे शरीर के अंदर इतनी इन्फ्लेमेशन हो रही थी उसको भी कंट्रोल कर पाता है। इसके अंदर विटामिन सी भी अच्छी मात्रा में होता है और पानी की भी अच्छी मात्रा होती है, इसलिए जब हमारे शरीर के अंदर फैट लॉस हो रहा होता है उस वक्त भी हमें बहुत फायदा करती है, क्योंकि ये जो वाटर कंटेंट है ये हमें हाइड्रेट करता है, और दूसरा जो ये विटामिन सी और फाइबर वाला कंपोनेंट होता है वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी हमारी स्किन सैगिंग को भी रोकता है और जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है उसको और अच्छा रखता है, ताकि हमारी चमड़ी लूज ना पड़े और वो अच्छी रहे, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई झुर्रियां ना बने। फूल गोभी हमारी चमड़ी के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छी है, जिससे कि हमारे शरीर में गुड क्वालिटी कोलेजन बनता है और ये हमारे स्किन को भी अच्छा टेक्सचर और टोन प्रोवाइड करता है और हमारी चमड़ी को ढीला नहीं पड़ने देता, इसलिए वो उसका एंटी एजिंग इफेक्ट भी रहता है, जिसकी वजह से हमारी चमड़ी और स्वस्थ और बढ़िया रहती है। हमारे दिमाग और दिमाग की नसों के लिए भी फूल गोभी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि जो ये फूल गोभी हम खा रहे हैं, एक कप हम तकरीबन खाते हैं तो उससे हमें 45 मिलीग्राम कोलिन मिलता है। कोलिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी नसों के लिए। कोलिन हमारी सेल मेम्ब्रेन कोशिकाओं की जो आउटर कवरिंग होती है उसको मेंटेन करके रखता है, डीएनए सिंथेसिस भी काफी काम आता है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये ब्रेन के अंदर जब वो डेवलप हो रहा है और कोई भी नर्व्स है उनके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं उनकी रीजनरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये काफी सारे न्यूरोट्रांसमीटर की प्रोडक्शन के अंदर भी काम आता है, जिसकी वजह से हमारी जो दिमाग की कोशिकाएं हैं वो आपस में ये तरंगे भेजती हैं और उनको कम्युनिकेट कर पाती हैं। तो जब अगर कोलिन हमारे शरीर में अच्छी मात्रा में है तो हमारे ये न्यूरोट्रांसमीटर भी अच्छे बनते हैं और हमारा जो दिमाग के कनेक्शंस हैं वो भी काफी बढ़िया रहते हैं, हमारी मेमोरी भी अच्छी रहती है और उनके अंदर जो ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो भी अच्छे तरीके से हो पाता है। फूल गोभी की काफी सारी ऐसी एंटी माइक्रोबियल, एंटी वायरल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनकी वजह से ये काफी सारे बैक्टीरिया को इनिबिट करती है, वायरसेस को भी ग्रो नहीं होने देती, उनकी प्रोलिफ्रेशन को रोकती है और काफी सारी फंगस के ऊपर भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट पाया गया है, तो ये हमें इतनी सारी बीमारियों से भी बचाती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि फूल गोभी को हम डाइट में कैसे ऐड कर सकते हैं और इसको किस तरीके से हम इस्तेमाल करें तो फायदा ज्यादा होगा। तो ज्यादातर लोग तो इसकी सब्जी बनाकर अच्छे से खाते हैं, कुछ लोग इसको हर प्रकार के मिक्स वेजिटेबल के अंदर भी मिलाते हैं, कुछ लोग इसका अचार खाना भी पसंद करते हैं, इसके अलावा पिज्जा टॉपिंग के अंदर भी इसका काफी इस्तेमाल होता है, आप इसे अपने सैलड और सूप के अंदर भी डाल के इसको यूज कर सकते हैं, आप इसको ग्रिल कर सकते हैं, आप इसको ग्रेट करके खा सकते हैं, आप इसको रोस्ट करके खा सकते हैं, काफी लोग इसका पकौड़ा बनाना भी पसंद करते हैं और कुछ लोग इसको स्टफ करके भी खाते हैं अपनी चपाती के अंदर, या इसका पराठा भी बनाकर खाना पसंद करते हैं। तो ये सब करके आप फूल गोभी को अपनी डाइट के अंदर शामिल करके अपनी डाइट के अंदर फूल गोभी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो अंत में एक हेल्थ टिप की, अगर आप फूल गोभी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कृपया उसे डीप फ्राई ना करें और बहुत ज्यादा उसको बॉइल ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसमें काफी सारे न्यूट्रिएंट्स खराब हो जाते हैं या हम कहें डीएक्टिवेट हो जाते हैं, स्पेशली उसका विटामिन सी कंपोनेंट बहुत ज्यादा कम हो जाता है, इसकी वजह से उसकी एंटीऑक्सीडेंट जो एक्टिविटी होती है वो काफी कम हो जाती है। तो अगर आप उसको स्टीम करके खा रहे हैं और उसको आपको सोटे करके खा रहे हैं, अगर आप उसको थोड़ा बहुत रोस्ट कर रहे हैं तो उससे ऐसी कोई घबराने चिंता करने वाली बात नहीं है, लेकिन जितना आप उसको हाई टेम्परेचर पे हाई फ्लेम के ऊपर रखेंगे, बहुत ज्यादा उसको बॉइल करेंगे, तो उसके अंदर उसकी ये जो हेल्थ प्रॉपर्टीज हैं वो कम हो जाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ अभी सारी जानकारी प्राप्त कर आप फूल गोभी का इस्तेमाल अपने डाइट के अंदर बढ़ा देंगे और उसको इंक्लूड करेंगे और जल्द ही आप इतने सारे फायदे अपने हेल्थ के अंदर देख पाएंगे और उनको एंजॉय कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिन भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप उन्हें YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और YouTube नोटिफिकेशन जरूर दबा दें, जिससे आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस समस्या में आप कहीं रुके हुए हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपकी कोई क्वेरीज हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं तुरंत आपको उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है तो मैं आने वाली वीडियो में उनके लिए एक वीडियो बनाकर भी जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।